अग्निवेश जी के साथ आप मेरठ एक आंदोलन करने आए थे, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उस आंदोलन में मैं कुछ दिन आपके साथ रहा था, तब मैंने बहुत कविताएं सुनाई थी। मुझे आंदोलनों में कविताएं सुनाने का शौक रहा है। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोक से पैदा हुआ कवि हूँ। जेपी आंदोलन की कोक से मैं पैदा हुआ। मैंने मीसा खो गया 1975 में जयप्रकाश नारायण के नारे लगाने के लिए। लेकिन फिर मुझे राजनीति मुझे समझ आती नहीं थी, तो मैं राजनीति में था। उसके बाद फिर मैंने टिकैत आंदोलन में काम किया, किसानों के लिए कविताएं लिखी। उसके बाद मैंने बाबा रामदेव के आंदोलन में काम किया। काले धन पर मैंने पहले कविता लिखी, उसके बाद काले धन का आंदोलन शुरू हुआ। लोगों को लगा कि काले धन का आंदोलन चल रहा है तो हरिओम पवार ने कविता लिखी होगी। नहीं, मैंने पहले कविता लिखी, उसके बाद बाबा रामदेव ने काले धन का आंदोलन शुरू किया। उनकी समझ में आ गया कि ये क्या है, ठीक से तो मेरी समझ में भी नहीं आया था कि मैंने क्या लिखा। एक कविता मैं सुनाता हूँ। मैंने 39 साल कानून पढ़ाया, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कानून का अध्यापक रहा हूँ। मैंने 16 साल संविधान पढ़ाया। जिन दिनों में संविधान पढ़ाता था उन दिनों में घर आके ये सोचता था कि संविधान की किताब में जो जो लिखा है वो तो कुछ देश में हो ही नहीं रहा, और जो देश में हो रहा है वो इस किताब में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो ये पीड़ा मुझे जा बैठ जा थोड़ा। आप बैठ जाओ, मैं आपके मनमोहन नहीं हूं, आप बैठो। देखिए मुझे पकड़ नहीं सकते, कानून का आदमी, मैंने सिंह नहीं कहा था। तो मैं जब ये दुखी होता था रोज सोच के कि किताब में क्या लिखा है, पढ़ा क्या रहा हूं, देश में क्या हो रहा है, तो एक दिन सत्य घटनाएं मेरे सपने में समय मुझे लगा एक आकृति है, वो कह रही मैं संविधान हूं। तुम बहुत दुखी दिखते हो, रोज पढ़ा के आते हो, आकर घर में आकर चुपचाप कपड़े में आकर के रोने से लगते हो, क्या है, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा, मेरे साथ हिंदुस्तान की राजनीति ने क्या सलूक किया, आपने कभी विचार किया। तो मेरी पूरी कविता मेरे संविधान का बोला हुआ सपना है। जो संविधान ने मुझसे बोला मैंने वो लिखा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। संविधान ने कहा कि देखिए हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हमने जब बनाया तो दुनिया में जहां जहां जो जो अच्छा था हम वो सब चुरा चुरा के लाए, चुरा चुरा ऐसे सच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहीं से लाए, फंडामेंटल राइट्स कहीं से लाए, सर्विसेज कहीं से लाए, इम्यूनिटीज कहीं से लाए, हर दुनिया के जिस देश में जो अच्छा था उसको हम ले आए। तो इस नाते हमारे संविधान में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा संविधान है। लेकिन जो उसकी गति हुई है उस पर मेरी कविता सुनिए छोटी सी। और मैं और कोई कविता इसलिए नहीं सुना रहा कि मुख्यमंत्री जी का मेहमान हूं, मुझ पर तो क्या संकट आएगा। चलो आप मीडिया से मैं कुछ कह नहीं सकता, उनको तो खड़े ही रहना। अगर मेरे किसी कवि सम्मेलन में इतने लोग खड़े होते तो मैं कहता कि बैठ जाओ, वरना मैंने जिन सरकारों पर लिखा है वो बैठ गई। सुनिए और रावत साहब आप तो त्रिवेंद्र जी बहुत खुश हो जाओ, आदरणीय मोदी जी जब एमएलए भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तब मैं उनको कविताएं सुनाता था और ये कह के सुनाता था पूरे दिन सुनोगे तो मुख्यमंत्री बनोगे। फिर उनको क्या लगा चस्का, जब मुख्यमंत्री बन गए तो बोले अब और सुना। सर क्योंकि उम्र आपकी कम है तो आप ही सुनते रहिए। छोटी सी कविता मैं इसलिए कि माहौल पुलिस विभाग का वातावरण है। देखो साहब पुलिस तो कुछ भी कह दे वो एक कविता है, और आपकी क्या हिम्मत आप ना माने वो कविता। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। किसी ने कहा तुम लाल किले से क्यों बोल रहे हो, मैंने कहा संसद में कोई बोलने दे रहा है क्या, वहां तो कोई बोलने नहीं देता तो मैं लाल किले क्यों देता। अब बस मन से सुनिएगा, थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि पढ़े लिखे कविता जैसी होनी चाहिए, वरना मेरे पास सब तरह की कविता है, किसानों के लिए भी, गांव के लोगों के लिए भी, बिना पढ़े लिखों के लोगों के लिए भी, साधुओं के लिए भी, सन्यासियों के लिए भी, ये थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के लिए, क्योंकि ये मैं जानता हूँ यहाँ बहुत ज्यादा रिच बौद्धिक समाज बैठा हुआ है और बड़े बड़े अधिकारी हैं और अधिकारी भी सुन रहे हैं, इससे पता लगता है कि उत्तराखंड में अधिकारी सुनते हैं।
मुख्यमंत्री जी का तो मैं जानता हूँ, वो तो सुनते हैं, मैं 30 साल से सुना रहा हूँ, तो अब उनके अधिकारी भी सुनेंगे, उनके मुख्यमंत्री काल में तो सुनते हैं। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर्मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ, मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ, मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ, कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, रावण पद पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। ताली बजा सकता मैं अधिकारियों से कह नहीं सकता, क्योंकि बड़े लोगों से कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कवि सम्मेलन की कवि का एक रोग है, कविता तालियों से बड़ी नहीं होती। असीम सुकुल जी बहुत चिंतित कर रहे थे कि कविता बाजार हो गई। हुजूर, हिंदुस्तान में कविता इसीलिए जिंदा है कि वो बाजार में आ गए। जो चीजें बाजार में नहीं है वो जिंदा है क्या? हमारी संस्कृति जिंदा नहीं है, संस्कार जिंदा नहीं है, मूल्य जिंदा नहीं है, मानवता जिंदा नहीं है। अगर कविता बाजार में आके खड़ी हो गई, उसने एक मार्केट बना लिया और कवि को लाखों, 2 लाख 3 लाख मिलने लगे, तो शुक्र मनाओ हिंदी माँ के कि कविता को इस तरह लोगों ने समझ बनाया कि कविता भी बाजार की भाषा बन गई। दुखी पता नहीं क्यों होते हैं, और कवि को पैसे मिलने लगे। सबको मिलना चाहिए, कवि को नहीं मिलना चाहिए। और तृप्ति जी, जब मन तब मन करे जब तक, तब तक पुलिस अधिकारी रहो, जब मन ना करे आ जाना, हमारी दुनिया में स्वागत है आपका, आप बड़ी कवित्री बनकर के आ रहे। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ।